Hello students, in today's video, we will discuss GATE versus UGC NET in case of electronic science. तो जो basic motive है आज की video का, वो ये है कि student को clarity मिल पाए कि GATE और UGC NET में basic differences क्या होते हैं, eligibility criteria क्या है, कौन सा exam ज़्यादा tough है, कौन सा exam किस तरह के student के लिए ज़्यादा beneficial है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में वो होगा आपके लिए पर्पस. क्या पर्पस है यूजीसी नेट का या क्या पर्पस है गेट का. ओके, पर्पस और यू कैन से बेनिफिट्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सबसे पहले यही जानना चाहता है कि अगर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद या इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे बेनिफिट क्या होगा, मुझे किस तरह की जॉब मिलेगी, या हायर स्टडीज के लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे, या रिसर्च रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन होंगे, ये सारी चीजें हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले जाननी होती है. ओके, तो पर्पस या बेनिफिट क्या क्या है यूजीसी नेट और गेट के. तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जाम किस लिए कंडक्ट होता है, क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा. तो यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है, जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चररशिप के लिए. ओके, या आप कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए इन अ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, और आप ऑल्सो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर रिसर्च के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए. तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो आप नेट के लिए जरूर अप्लाई करें, नेट की प्रिपरेशन आप जरूर करें. यहां पर नेट में आपके दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो आपका लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एक जॉब है आपके लिए, और एक है आपके लिए JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप. ये जो आपका JRF है ये भी आपको नेट के थ्रू ही मिल जाता है. जो स्टूडेंट नेट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं या जो टॉप मार्क्स गेन करते हैं वो JRF के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और JRF के केस में आप प्रॉपर किसी कॉलेज से, किसी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और जैसा मैंने आपको कहा, JRF के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं, दैट मींस कट ऑफ JRF के लिए हाई होता है, क्योंकि आप JRF के थ्रू PhD के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, एलिजिबल आप हो जाते हैं, साथ साथ में आपको बहुत अच्छा स्टाइफन भी मिलता है. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो अगर मैं ओवरऑल नेट की बात करूं तो लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, और यू कैन से रिसर्च, रिसर्च मींस PhD, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. अब अगर मैं गेट की बात करूं, एक आपको ब्रीफ समरी दूं गेट के लिए, तो गेट, अगर आप गेट में अच्छा रैंक अचीव करते हैं, अच्छे मार्क्स आप लेकर आते हैं गेट में, गेट में सिर्फ क्वालिफाई करने से आपकी बात नहीं बनती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा. गेट में आपको टॉप 500 के अंदर रैंक लाना ही होगा अगर आप बहुत अच्छी सिचुएशन में आना चाहते हैं तो. वैसे आइडियल केस तो टॉप 100 या टॉप 200 ही होता है, बट स्टिल आपको 500 के अंदर रैंक तो हर हाल में लाना ही होगा. तो गेट के थ्रू आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं अगर आपने अच्छा रैंक अचीव कर लिया है तो. तो यहां पर आप IITs, NITs से MTech के लिए जा सकते हैं आप, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है गेट के लिए. उसके बाद आप PSUs में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. जनरली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात करूं तो 150 रैंक तक अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप PSU में आपकी चांसेस बहुत अच्छी बन जाती हैं. आपको इंटरव्यू जरूर देना होता है लेकिन आपको कॉल जरूर आएगा PSU से इंटरव्यू के लिए. तो PSUs के ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं. इसके अलावा आप अगर गेट में अच्छा रैंक लेकर आते हैं तो आप जो आउटसाइड इंडिया में जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं आपके लिए, वहां पर भी आप PhD
या एमएस के लिए जा सकते हैं. ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है वाया गेट. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं आउटसाइड इंडिया जो कि गेट स्कोर को प्रिफर करती हैं. सबसे जो अच्छा एग्जांपल है सिंगापुर यूनिवर्सिटीज, वो आपके गेट स्कोर को प्रिफर करती है फॉर पीएचडी एडमिशन और एमएस एडमिशन. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि गेट के थ्रू आप आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हैं. लेकिन अगर आपका मेन फोकस जो है वो रिसर्च है तो नेट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए. लेकिन अगर आपका मेन फोकस जो है वो आईआईटीज या एनआईटीज से एमटेक करने का है तो गेट बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए. तो दोनों ही केस हैं आपके पास. तो बेसिकली ये आपके पर्पस और बेनिफिट्स हैं नेट और गेट के. नाउ अगर मैं सिंपली बात करूं स्टाइफन की, तो आपको जेआरएफ के केस में भी स्टाइफन मिलता है और आपको गेट में जब आप आईआईटी एनआईटी से एमटेक करते हैं तब भी आपको स्टाइफन मिलता है, या जब आप आउटसाइड इंडिया जाके पीएचडी करते हैं तब भी आपको स्टाइफन मिलता है. तो स्टाइफन का केस दोनों में ही वैलिड है आपके लिए. तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा दोनों ही केस में, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में. बट जो आपके क्राइटेरियाज हैं कि आप करना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से डिफरेंसेस हैं, तो आपको अपने हिसाब से चूज करना आना चाहिए कि मेरा एम क्या है लाइफ में और मुझे क्या करना है. नाउ अब अगर मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट डिस्कस करूं तो वो है आपका एलिजिबिलिटी. दोनों के केस में एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी. अगर मैं पहले आपके नेट की बात करूं तो नेट के केस में एलिजिबिलिटी होगी आपके लिए एमटेक. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस का ही एग्जांपल लूं आपके लिए, तो अगर आप एमटेक या इक्विवेलेंट हैं तो आप नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. और अगर मैं बात करूं गेट के लिए, तो गेट के केस में एलिजिबिलिटी आपकी बीटेक होती है या बीई होती है. बीटेक या बीई अगर आप कर चुके हैं, आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है, तो आप गेट के लिए एलिजिबल हैं. नो डाउट गेट आप आफ्टर एमटेक भी दे सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन नेट आप आफ्टर बीटेक नहीं दे सकते, आपको एमटेक या एमई की डिग्री चाहिए. तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है दोनों की डिफरेंट डिफरेंट. बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेट है वो बेसिकली रिसर्च पीएचडी और आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए है. तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी बेसिक जो डिफाइन की गई है वो एमटेक या एमई है. और अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट का जो मेन पर्पस था वो था आपका, या वो है आपका एमटेक थ्रू आईआईटीज और एनआईटीज. इसके अलावा एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो ऐड होते चले गए टाइम टू टाइम, लाइक पीएसयू जॉब एंड यू कैन से पीएचडीज आउटसाइड इंडिया, वो तो है ही. बट जो मेन पर्पस था गेट का या अभी भी है वो है आपका एमटेक थ्रू आईआईटी. तो उसके लिए आपको बीटेक या बीई की डिग्री चाहिए. नाउ अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूं एलिजिबिलिटी में ही, एज लिमिट. तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपके नेट के लिए, या बेसिकली मैं बात करूं जेआरएफ के लिए, बेसिकली एज लिमिट आपकी जेआरएफ में दी गई है, ये है आपकी 30 ईयर्स. जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर. जेआरएफ के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है. और अगर मैं यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की बात करूं थ्रू नेट, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है. और सिंपली अगर मैं गेट के लिए बात करूं तो गेट का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. बट जनरली पीएसयू की जो एज लिमिट होती है वो 28 ईयर्स टू 30 ईयर्स होती है आपकी. कुछ पीएसयू के लिए 28 ईयर होती है, कुछ के लिए 30 ईयर्स होती है. तो दोनों नेट और गेट में आप 30 ईयर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम आप दे सकते हैं, क्योंकि नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और गेट के एग्जाम के लिए वैसे ही कोई एज लिमिट है ही नहीं. आप जब चाहें तब गेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक या बी होनी चाहिए. नाउ अब अगर मैं यहां पर थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूं तो वो है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्जाम. मीन्स एग्जाम कितनी बार होता है साल में, वन ईयर में कौन सा एग्जाम कितनी बार होता है. तो अगर मैं नेट की बात करूं
तो नेट आपका टू टाइम्स होता है इन अ ईयर, और अगर मैं गेट की बात करता हूं तो गेट आपका वन टाइम होता है इन अ ईयर। तो यहां पर एडवांटेज है नेट में, क्योंकि आप दो बार एग्जाम दे सकते हैं, एक एग्जाम आपका जुलाई में होता है और एक बार नवंबर में होता है। तो एडवांटेज ये है कि आपको पूरा ईयर वेट नहीं करना पड़ता अगर आपका एक बार एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, ठीक है ना। जबकि गेट में क्या प्रॉब्लम है, ये है कि अगर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम जनरली आपका फरवरी में होता है, आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए किसी भी कारण से, ऑल दो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी आप जो रैंक चाहते थे वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो आपको पूरा वन ईयर तक वेट करना पड़ता है अगली बार अपीयर होने के लिए। लेकिन नेट में आप साल में दो बार एग्जाम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं, फोर्थ पॉइंट, तो ये है आपका एग्जाम स्ट्रक्चर या एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका गेट का और नेट का। तो जो एग्जाम पैटर्न है, अगर मैं पहले नेट की बात करूं जो कि इसी साल रिवाइज्ड हुआ है आपका एग्जाम पैटर्न, तो नेट की अगर मैं बात करता हूं तो नेट में आपके टू पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। तो जो आपका पेपर वन है उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं ये आपके जनरली जनरल अवेयरनेस और आप बोल सकते हैं रिसर्च एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। और पेपर वन जो होता है आपका टोटल वन आवर का होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। अब अगर मैं बात करूं पेपर टू की, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्निकल फील्ड से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक ईडीसी, एनालॉग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उन सब का एनालिसिस हम करेंगे। बट अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो ये 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके टेक्निकल कोर ब्रांच से होते हैं, टेक्निकल पेपर होता है आपका ये, और ये होता है आपका 2 आवर्स का और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ नेट। और अगर मैं यहां पर बात करूं आपके गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में आपका सिंगल पेपर होता है, आपके टोटल यहां पर 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं आपके टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल पार्ट में। 10 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड से, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथमेटिक्स से, और रिमेनिंग जो आपके 45 क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से होते हैं। तो यहाँ पर जो ये 10 क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश और एप्टीट्यूड से होते हैं वो होते हैं 15 मार्क्स के, जो आपके 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होते हैं वो भी होते हैं 15 मार्क्स के, और जो आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं आपके टेक्निकल फील्ड से वो होते हैं आपके 70 मार्क्स के। तो जो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स। यहाँ पर गेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना होता है। तो ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है गेट और नेट का। जहाँ पर एक और बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नेट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन गेट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। दैट मींस आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको आंसर डायरेक्टली पुट करना होगा, उसके लिए आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा इन केस ऑफ गेट। नाउ अब अगर मैं बात करूं पॉइंट 5, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल। तो जो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए, तो यहां पर मैं जो सिलेबस की लेंथ है उसको भी कंसिडर करूंगा और जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है उसे भी कंसिडर करूंगा। तो यहां पर अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं सिलेबस के लेंथ वाइज, तो नो डाउट नेट की लेंथ मच ग्रेटर होती है सिलेबस की लेंथ एज कंपेयर टू गेट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो नेट का सिलेबस है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू गेट के सिलेबस से।
इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के रेस्पेक्ट में ही डिस्कशन कर रहा हूं, तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, साथ साथ में आपको जो पेपर वन है उसकी भी प्रिपरेशन आपको एक्स्ट्रा करनी होती है। जबकि गेट में आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करना होता है, और जो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश है वो इस लेवल का नहीं आता है कि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। आप नॉर्मल स्टडी करके भी उसमें आउट ऑफ 15 आप 10-12 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो नेट का जो सिलेबस है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू गेट के सिलेबस से। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल वाइज बात करूं आपके लिए, तो जो आपका नेट का क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू गेट के क्वेश्चन से। मींस यहां पर आपके गेट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे एज कंपेयर टू नेट के क्वेश्चंस। ऑल्दो कंसेप्ट सेम रहेंगे, जो सब्जेक्ट कॉमन है दोनों सिलेबस में वहां पर आपके कंसेप्ट तो सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी होगी, जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन होंगे, वो गेट में कहीं ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नेट। तो यहां पर एक और आपका क्वेश्चन की डिफिकल्टी वाइज हम एनालिसिस कर सकते हैं, वो ये है कि आपका जो नेट है उसमें आपके ज्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी, और जो आपके न्यूमेरिकल होते भी हैं वो आपके जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपके वन लाइनर न्यूमेरिकल्स होंगे फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन अगर आप बात करें गेट की, तो यहां पर गेट में आपकी जो थ्योरी है वो बहुत ही लेस होती है, थ्योरिकल क्वेश्चन आपके बहुत ही कम होते हैं गेट में, और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, वहां पर आपको काफी लॉजिक लगाना पड़ता है, काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं आपके, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट या जब आप गेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन नेट में आपको ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस या ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और गेट में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, टफ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है जब आप गेट की बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है आपका वो यही है कि लेंथ वाइज बात करें, सिलेबस के वाइज बात करें कि किसका सिलेबस ज्यादा बड़ा है, तो वो आपका नेट का है, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल वाइज बात करें तो आपका गेट का जो सिलेबस है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं यहां पर, सिक्स पॉइंट, तो ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसा मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि गेट में सिर्फ क्वालिफाई करने से बात नहीं बनती, आपको बहुत अच्छा रैंक लाना होता है। सेम अगर नेट की बात करूं, तो अगर आप JRF के लिए सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां भी बहुत अच्छा स्कोर करना ही होगा। लेकिन अगर मैं बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं यहां पर, तो नेट के केस में आपको 40% एग्रीगेट अचीव करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। दोनों पेपर को मिलाकर आपको 40% एग्रीगेट तो लाना ही होता है इन केस ऑफ नेट। लेकिन अगर मैं गेट की बात करता हूं, तो गेट में वैसे तो हर साल क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो आउट ऑफ 100 25 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं एवरेज। इतना आपको स्कोर करना पड़ता है गेट में अगर आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगेन, सिर्फ क्वालिफाई करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी किसी भी एग्जाम में। अगर आप कुछ बिग या बड़ा ड्रीम कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स, क्वालिफाइंग से कहीं ज्यादा मार्क्स अचीव करने होंगे। नाउ अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पर है आपका व्हाट टू चूज। अब हमने जो बेसिक डिफरेंस यहां पर स्टडी किए हैं या समझे हैं, उसके बाद व्हाट टू चूज एंड व्हाई, ये आपको अब समझ में आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं नेट की बात करूं, तो अगर आपको लगता है एज अ स्टूडेंट कि मैं ज्यादा सिलेबस पढ़ सकता हूं और मैं
ज़्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा बेटर हूँ और न्यूमेरिकल्स मुझसे इतने अच्छे से नहीं होते हैं, या जो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं वो मैं इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं जिसे हम याद रख सकते हैं, या जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगेन अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर नेट। ये आपको हमेशा माइंड में क्लियर रखना है कि आप किस चीज में बेटर है। अगर आप थ्योरी को स्टडी करने में ज्यादा बेटर हैं, अगर आप बुक्स ज्यादा पढ़ सकते हैं, और अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको एक बात लेकिन ध्यान रखनी होगी कि नेट में आपको सिलेबस कहीं ज्यादा पढ़ना होगा एज कंपेयर टू गेट। तो अगर आप ज्यादा सिलेबस पढ़ सकते हैं तो ऑलवेज गो फॉर नेट। और अगर मैं गेट की बात करूं यहां पर, तो गेट में ऑल दो सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है यहां आपको बहुत ज्यादा करनी होती है, और आपको लॉजिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 2 to 3 minutes होते हैं, तो उसी 2 to 3 minutes में आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझना होता है, उसके बाद उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है, पूरा कैलकुलेशन करना होता है। लेकिन जब मैं नेट की बात करता हूं, तो नेट में अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये थ्योरी पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आप हार्डली 15 to 20 seconds में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नेट के लिए टाइम भी ऑल दो लिमिटेड ही होता है, गेट के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम होता है नेट में, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां क्वेश्चन पता है तो जितना टाइम दिया जाता है नेट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो मोर देन सफिशियंट होता है। लेकिन अगर मैं गेट की फिर से अगर बात करूं, तो यहां पर आपको गेट तभी चूज करना चाहिए जब आपको लगे कि आप न्यूमेरिकल्स में ज्यादा बेटर हैं, आप लॉजिकली ज्यादा अच्छा सोचते हैं, और आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं पसंद है ये भी इंपॉर्टेंट है, नेट में हमें ज्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना पसंद नहीं है तो हम नेट की तरफ जाएंगे, हमें अगर ज्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है तो हम गेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बहुत वीक हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। आप एक चीज में आपको बेटर होना होता है, अगर आप अभी नहीं है तो आप प्रिपरेशन करके बेटर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको चूज करना आना चाहिए कि आप किस चीज में बेहतर हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लें कि आपको गेट की तरफ जाना चाहिए कि नेट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा ये तो बात हुई कि डिफिकल्टी लेवल वाइज मैंने कंपेयर किया दोनों को कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, अगर आपका ड्रीम है कि आप किसी वेल रेप्यूटेड IIT से M.Tech करें, तो फिर आपके पास गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि आप रिसर्च फील्ड में जाएं विथ वेरी वेल स्टाइफन, तो आपके पास नेट JRF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या आपका ड्रीम है कि आप डायरेक्टली M.Tech के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो नेट फिर से आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें चूज करना आना चाहिए, और क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों का जवाब आप खुद से ही समझेंगे, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, अपनी एबिलिटीज को समझते हुए। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करूंगा वो है आपके लिए टिप्स, और यू कैन से इंपॉर्टेंट सजेशन। तो इंपॉर्टेंट सजेशन जो मेरी तरफ से है आपके लिए, या डीजीमेंटो की टीम की तरफ से है आपके लिए, वो ये है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और सपोज करिए आपने अपनी एक फील्ड चूज कर ली है, जैसे सपोज करिए आपने नेट चूज कर लिया है कि आपको नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता है कि आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप नेट का इंटायर सिलेबस कवर कर लेते हैं तो गेट का जो सिलेबस है वो भी कवर होता है आपका पूरा। नो डाउट सेल्फ प्रिपरेशन गेट की डिफरेंट होगी नेट से, लेकिन आप जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ें जो कि कॉमन है दोनों में, तो आप उसे इंटायरली पढ़ें, ये मत सोचें कि आप सिर्फ नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप कंप्लीट सब्जेक्ट का एनालिसिस करें,
पूरे सब्जेक्ट का एक एक कंसेप्ट स्टडी करें जो नेट और गेट में है आपका, ठीक है। तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि सपोज करिए अगर आपने नवंबर में अपना नेट का एग्जाम दिया, उसके बाद नेट के एग्जाम से आप फ्री हो गए हैं, अभी आपका फरवरी में गेट का एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो बीच का टाइम है, आइडियली बोल लीजिए दिसंबर एंड जनवरी, उसमें आप पूरी तरीके से डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पूरा पूरा आता है। जो कंसेप्ट गेट के लिए चाहिए था और जो कंसेप्ट यूजीसी नेट के लिए चाहिए था, आपने कॉमन सब्जेक्ट जो दोनों में है उसको इस तरीके से स्टडी किया हुआ है कि आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं टफ टफ न्यूमेरिकल्स की, गेट से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और आपके पास यूजीसी नेट के साथ साथ गेट का भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्लियर है ना पॉइंट, जितने ऑप्शन हो उतना बेटर होता है हमारे लिए। या सपोज करिए आप जुलाई में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आपका एम जो था वो गेट था, ठीक है, तो आपने फरवरी में गेट का एग्जाम दे दिया, उसके बाद फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई वो जो 3 महीने हैं उसमें जो एक्स्ट्रा थ्योरी पोर्शन है वो आप कवर कर सकते हैं, या जो थ्योरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट, या जो आपका पेपर वन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जनरल अवेयरनेस की वो आप कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट। तो अगर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ऑल दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने मेन एग्जाम के हिसाब से ही करिए जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं हो जाता, लेकिन जो कंसेप्ट है, सपोज करिए अगर आप हमारी वीडियो फॉलो करते हैं डीजी मेंटो की फॉर गेट और यूजीसी नेट प्रिपरेशन, तो आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो गेट की है या ये वीडियो यूजीसी नेट की है। वीडियो जो होगी, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट का नाम लेता हूं मैं, कंट्रोल सिस्टम की होगी, अगर आप उस वीडियो को पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस वीडियो के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं और आप गेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं और आप आईएएस या अदर पीएसयू एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। ये माइंड में आपको रखना होगा पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टडी करें, टेक्निकल करें, तो उसको डिटेल में स्टडी करें, अच्छे से स्टडी करें, लेकिन जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो अपने मेन एग्जाम के हिसाब से ही रखें। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे यूजीसी नेट वर्सेस गेट से रिलेटेड। आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं यूजीसी नेट और गेट में, और जो मैंने आपको लास्ट में इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हैं वो भी आप जरूर माइंड में रखिएगा। अगर इसके अलावा आप कुछ और सजेशन चाहते हैं या और कोई टिप्स चाहते हैं या और किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं किसी सेपरेट टॉपिक पर, सेपरेट टेक्निकल टॉपिक पर या जनरल टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।